ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वो आनंद और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम क्यों नहीं कर पाते हैं? कारण है जो बाबा ने एक मुरली के अंदर कहा कि तीन बातें हैं जो ये नशा चढ़ने नहीं देती है, और वो तीन बातें हैं परमत, परचिंतन, परदर्शन। एक है परमत, अर्थात दूसरों की मत से प्रभावित होना, जो बाबा कहते हैं ना मनमत, परमत, और तीसरा है श्रीमत। तो मनमत माने मैं जो कहूँ वही राइट, मैं जो सोचूँ वही राइट। परमत अर्थात दूसरों की मत से प्रभावित होना, ये बहुत अच्छी बात कही। और वहाँ हमें श्रीमत भूल जाती है कि श्रीमत क्या कहती है। अपने ही अनुभव की बात कहूँ कि शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आए तो उस समय पर ये बाबा की एक मुरली चली ऐसी ही कि रावण के मत और एक है श्रीमत। तो ये पॉइंट चली क्लास में, दीदी ने बहुत अच्छी पॉइंट के ऊपर सारा विस्तार किया। हम परिवार से आते, घर से आते थे, अकेले ही ज्ञान में चलते थे, थोड़ा बंधन भी था। लेकिन जब ये मना उस कारण से मुझे क्या थोड़ा डर रहता था, लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे घर से आते थे तो। लेकिन जब ये बाबा की मुरली की पॉइंट क्लास में आई और सुनी, तब मुझे अंदर से एक हो गया, मैं लोग क्या कहेंगे वही सोचती रहती हूँ, लेकिन भगवान क्या कहता है वो तो मैं भूल ही जाती हूँ। तो मुझे अगर बाबा की श्रीमत को ही फॉलो करना है तो मैं लोगों की चिंता क्यों करूँ। और तब से एक निश्चय हो गया कि बाबा की श्रीमत मुझे क्या कहती है वही मुझे करना है। क्योंकि बड़ी बीमारी कौन सी है भारत के अंदर, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? क्या कहेंगे लोग, यही है बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोक लाज जिसको हम कहते हैं। और इसलिए परमत के प्रभाव से मुक्त होना। दूसरा है पर दर्शन, दूसरों को देखना कौन क्या करता है, कौन कैसे चलता है। जो बाबा कहते हैं ना, कल भी बताए ना, ऐसा तो चलता ही रहता है, वो तो होता ही रहता है। तो हम दूसरों को देखते रहते हैं, परदर्शन। तो परदर्शन करने से भी वो हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देता है। परदर्शन वो तो द्वापर से किया है, द्वापर से किया है। ये जो हमारा सृष्टि नाटक है, ये सृष्टि नाटक क्यों बिगड़ गया? क्योंकि द्वापर से हमने दूसरों को देखना शुरू किया। एक स्टेज के ऊपर चार नर्तकी नृत्य कर रही है। अगर पहली नर्तकी ये सोचती है कि बाकी तीनों के ताल मेरे ताल से मिलते हैं या नहीं, वो दूसरे के ताल को देखने जाएंगी तो क्या होगा? खुद का ताल मिस हो जाएगा। वही हमने गलती द्वापर से किया। हम दूसरों को देखने लगे, कौन क्या करता है, कौन कैसे चलता है, किसके कर्म कैसे है, वही देखने में लगे, और इसलिए हमारे कर्म बिगड़ गए। तो परदर्शन। और तीसरा है पर चिंतन, दूसरों का ही चिंतन हम करते रहते हैं। निंदा, ग्लानी, ये सब बातें आती है, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करना, चिंतन करना, कमी कमजोरी बुराइयाँ अवगुण, यही है पर चिंतन। तो ये पर चिंतन ही हम करते रहते हैं। और ऐसा पर चिंतन करने वाला कभी ईश्वरीय चिंतन कर नहीं सकता। तो
तो पर चिंतन के अंदर ही हम अपना कितना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात किसी ने बताई कि मान लो हमारा कोई नेबर है, पड़ोसी है, और उसका बच्चा कोई गलत काम करके आता है, या हमने उसके अंदर कोई ऐसी कमी कमजोरी देखी, कोई अवगुण देखा, और फिर उसकी वो बुराई का वर्णन हम अनेकों के आगे करते हैं। देखो फलाने का बेटा ये करके आया, ये करके आया, 10 लोगों के आगे हम उसकी बात करते हैं, फिर उसके माँ बाप को हम खुश करने जाएं, आप तो बहुत अच्छे हो, ये है वो है, वो माँ बाप खुश होंगे। पड़ोसी के बच्चे की निंदा करके उसके माँ बाप को खुश करने जाओ, माँ बाप खुश होंगे? नहीं। ऐसे ही ये सारा एक ईश्वरीय परिवार है, न सिर्फ हम, बाबा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो सारा विश्व एक परिवार है। तो किसी की भी बुराइयों का वर्णन करके, किसी की भी निंदा करके, हम भगवान की महिमा करके उसको खुश करने जाए, वो खुश होगा? कभी नहीं। तो किसी की भी परचिंतन की बातें करके भगवान कभी खुश नहीं होता है। और इसलिए बाबा कहते 3 पर को छोड़ो, परमत, परदर्शन, पर चिंतन, तभी हम ईश्वरीय चिंतन। तो 3 पर को छोड़ो, 1 पर को धारण करो, और वो है परोपकार, हमेशा हरेक के प्रति उपकार की भावना, तभी हम योग की गहराई का अनुभव कर सकते हैं।